स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सामिद क्लासेस पे सो so, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज़ का थर्ड वीडियो है इससे पहले मैंने 2012 जून और 2012 दिसंबर पेपर टू फॉरेंसिक साइंस को डिस्कस किया था आज मैं 2013 दिसंबर पेपर टू फॉरेंसिक साइंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ सो so, अगर आप नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन को डिस्कस भी करता हूँ क्योंकि आपको नेट पे यह सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है और मिलता भी है तो बहुत सारा गलत भी होता है तो मैं आपको एक से पचास तक अभी क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन को आगे डिस्कस भी करूंगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला नंबर क्वेश्चन के साथ लिस्ट वन में है फिजिकल एविडेंसेस और लिस्ट टू में है सेक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग है तो आपको मैच करना है लिस्ट वन में आपको एविडेंसेस दिया हुआ सैंपल दिया हुआ है और लिस्ट टू में सेक्शन दिया हुआ है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का किस सेक्शन में कौन सा सैंपल जाएगा तो पहला नंबर क्या है ए एग्ज़ामिनेशन ऑफ ट्वाइन ये किस में जाएगा फिजिक्स डिवीजन में नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवा यह जाएगा आपका बायोलॉजी सेक्शन में नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड यह जाएगा टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में और लास्ट है एग्जामिनेशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ गैसोलिन ये जाएगा केमिस्ट्री सेक्शन में ठीक है ये तो हम अभी डिवीज़न ऑफ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे ठीक है कौन कौन से डिवीजन होते हैं स्टेट एफ में डॉक्यूमेंट केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स बैलिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी सेरोलॉजी नार्कोटिक्स आर्सन एंड एक्सप्लोसिव फॉरेंसिक साइकोलॉजी फोटो डिवीजन, कंप्यूटर फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंट डिवीजन। तो ये सारे डिवीजन वेरी करता है कि किस स्टेट में कितने डिवीजन हैं ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पे तीन डिवीजन को थोड़ा डेप पे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री डिवीजन को स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी डिवीजन में तो बायोलॉजी डिवीज़न में आइडेंटिफिकेशन होता है किसका ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लड सीमेंट सलाइवा स्वेट यूरिन, वॉमिट फिकल मैटर नेसल डिस्चार्ज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू नेक्स्ट इसमें क्या होता है आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन होता है हेयर का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर एंड वुल नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑरिजिन बायोलॉजी सेक्शन में ऑरिजिन सेक्स एज हाइट और आइडेंटिटी का भी डिटर्मिनेशन होता है किससे फ्रॉम स्केलेटल रिमेन्स एंड तिथ ये बायोलॉजी डिविजन में होता है नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिक्स डिविज़न में फिजिक्स डिविजन में क्या एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनेशन ऑफ पेंट्स मेटल मेटल्स इंक्लूडिंग क्वाइंस टेलीग्राफ वायरस नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड कंपेरिजन ऑफ टूल कट मार्क्स ऑन मेटल अगर कोई मेटल में कट मार्क्स है तो उसका भी एग्जामिनेशन और कंपेरिजन होता है क्लोथ का होता है पेपर लेदर ग्लास इतना चीज़ का एग्जामिनेशन और कंपैरिजन होता है फिजिक्स डिवीजन में नेक्स्ट है एक्सरे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ पैकेट्स बॉक्सेस लेटर बॉम्ब्स करेंसी नोट्स लॉटरी टिकट्स एक्सेस्ट्रा तो ये सब का एक्सरे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है मान लीजिए कोई लेटर बॉम्ब है तो उसके अंदर क्या हो सकता है तो उससे पहले हम एक्सरे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसीफेयरमेंट होता है किस चीज़ का अल्टर्ड ऑटोमोबाइल नंबर साइकिल मशीन टाइपराइटर फायर आर्म मान लीजिए कोई भी व्हीकल है उसका जो चेसिस चेचिस नंबर है चोर चोरी करने के बाद उसको इरेज कर देता है या फिर अल्टर्ड कर देता है तो उसका डेसीफेयरमेंट इस फिजिक्स डिविजन में होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ग्लास अगर बुलेट फायर हुआ है तो ग्लास को अगर क्रॉस कर रहा है वो तो किस डायरेक्शन से फायर हुआ है उसका भी हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन करते हैं नेक्स्ट है डोर विंडो पेंस डोर विंडो पेंस ग्लास अगर किसी में भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता करना हो तो ये फिजिक्स डिवीज़न में होता है ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री डिवीज़न में केमिस्ट्री डिवीजन में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन होता है किसका पॉइजन का अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट है जैसे कि विसरा ब्लड यूरिन स्टमक वॉस वॉमिट तो इसमें क्या होता है पॉइजन का अगर चेक करना तो हम केमिस्ट्री डिवीज़न में इसको सेंड करते हैं सैंपल को नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस नार्को एन डी पी एस आप जानते होंगे तो एन डी पी एस जो नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है वो भी केमिस्ट्री डिवीजन में जांच के लिए जाता है नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस इन आर्सन केसेस इंक्लूडिंग डाउरी डेथ्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनोपथिलीट इन ट्रैप केसेस तो ये सब चीज़ केमिस्ट्री डिवीजन में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन टू द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इज कौन सा सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का कौन इन चारों में से ऑथर है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट विल्सन और हरिसन ठीक है हम और भी ऑडवरी हिल्टन आर् हर्बर ऑसबोर्न के बारे में अब बात कर लेते हैं पहले हम बात करते हैं अल्बर्ट एस ऑसबोर्न आपने नाम तो सुना ही होगा ऑसबोर्न का वो सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ए एस क्यू डी ई के एस क्यू डी क्या है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड एग्जामिनर ठीक है ए एस क्यू डी के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो अल्बर्ट एस बॉर्न है एस ऑसबॉर्न है वो फादर ऑफ़ फॉर साइंस ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है फादर ऑफ़ फॉर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन तो आप क्या बोलिएगा अल्बर्ट एस ऑसबॉर्न आपको नाम याद रखना है और इनका एक बहुत ही फेमस बुक है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट अगर इस क्वेश्चन में सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट की जगह क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रहता और अल्बर्ट एस ओसबॉर्न रहता तो हम उसको टिक करते हैं तो ये सब फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको एसबॉर्न या फिर ऑडवरी हिल्टन के बारे पूछ दें तो ऑडवरी हिल्टन कौन थे ऑडवरी हिल्टन सिक्स प्रेसिडेंट थे ए एस क्यू डी ई के जिस तरह से ए एस क्यू डी के फर्स्ट प्रेसिडेंट अल्बर्ट शर्मन ओसबॉर्न थे तो ऑडवरी हिल्टन सिक्स प्रेसिडेंट थे और इनका बुक जो था वो उनका ना, उसका नाम है डिटेक्टिंग एंड डेसेफेरिंग इरेस्ड पेंसिल राइटिंग डिटेक्टिंग एंड डेसेफेरिंग इरेस्ड पेंसिल राइटिंग आपको नाम याद रखना और वेरी हिल्टन नेक्स्ट है आर ए हबर आर ए हबर का जो बुक है वो मैं आपको बता देता हूं उनका बुक का नाम है हबर एंड हैड्रिक्स हैंडराइटिंग आइडेंटिफिकेशन फैक्ट्स एंड फंडामेंटल्स ठीक है तो हमने ये क्वेश्चन नंबर टू को भी डिस्कस कर लिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्यूलीफॉर्ड फोरेंसिक साइंटिस्ट हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ किस फील्ड में क्या हम किए थे फॉरेंसिक सैरोलॉजी ऑप्शन नंबर सी तो जो क्यूलीफॉर्ड थे उनका पूरा नाम ब्रायन जे क्यूलीफॉर्ड था वो एक ब्रिटिश फॉरेंसिक सैरोलॉजिस्ट थे जो कि अपने बुक के वजह से बहुत फेमस हुए थे और उनका बुक का क्या नाम था द एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग ऑफ ब्लड स्टेन द क्राइम लेबोरेटरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एल एन जे एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस वॉज स्टैब्लिस्ड एट न्यू दिल्ली इन द फॉलोइंग ईयर एल एन जे एन का फुल फॉर्म क्या है लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस और इसको कॉमन कॉमन नाम क्या है हम इसे एन के नाम से जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ये कहाँ पर है न्यू दिल्ली में है कब इस्टिश हुआ था ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 1972 ठीक है तो अभी इसके करंट डायरेक्टर कौन है इसके करंट डायरेक्टर है जावेद अहमद जावेद अहमद एक आईपीएस ऑफिसर हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अ करेंट विच विल एग्जिस्ट इवन इफ नो लाइट इज फॉलिंग ऑन द यू विजिबल इस डिटेक्टर इज नॉन एज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दैट इज डार्क करेंट क्वेश्चन नंबर सी एक्साइटर फिल्टर इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप सो व्हाट इज एक्साइटर फिल्टर एक्साइटर फिल्टर इज बेसिकली परमिट्स ओनली सेलेक्टेड वेवलेंथ फ्रॉम द इल्यूमिनेटर टू पास थ्रू ऑन द वे टूअर्ड्स द एसीमेन एक साइटर फिल्टर जो होता है वो एक सेलेक्टेड वेव लेंथ को ही इल्यूमिनेट करता है टूअर्ड्स द स्पेसीमैन मतलब एक्साइटर फिल्टर क्योंकि बहुत सारा लाइट आ रहा है लाइट का डिफरेंट वेव लेंथ है तो जो एक्साइटर फिल्टर रहता है वो केवल सेलेक्टेड वेव लेंथ को ही पास करता है टुअर्ड्स द स्पेसिमैन तो हाँ इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन डैश इज़ यूज एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन एन ए ए इन ट्रीगा रिएक्टर क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज वाटर नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड बाय ऑप्शन नंबर डी दैट इज गीजर मूलर काउंटर सो हाउ आर रेडियो रेडियो एक्टिविटी ऑफ अब्सटांस इज मेजर्ड सो द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटांस इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ न्यूक्लिया दैट डिके पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लिया दैट डिके पर यूनिट टाइम से हम इसको मेजर करते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जिसका जिसका नाम है बैकवेरे और इसे हम कैपिटल बी स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं बैकवरल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्लो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द ट्यूब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इलेक्ट्रो ऑसोमेटिक फ्लो सो वट इज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वट इज इलेक्ट्रो ऑसोमेटिक फ्लो वी विल डिस्कस हेयर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट सेपरेट्स Molecules in an electric field according to size and charge. So, capillary electrophoresis is performed in a small glass tube called a capillary that is filled with an electrolyte solution. Now, the analytes are separated due to differences in electrophoretic mobility, which varies in charge, solvent viscosity, and size. And when we apply an electric current in this tube, the analytes start moving in the opposite direction, and this movement is known as electroosmotic flow. So, moving towards next question ten, assertion and reason. Assertion: an, a phenolphthalein solution is used to show the possible presence of blood, yes, it is true. So, what is phenolphthalein? phenolphthalein basically is a catalytic test for the detection of blood and it is also known as Kastle-Meyer test it is a presumptive test or color test for blood what is reason reason here is as there is non specific peroxide reaction with hemoglobin producing pink color yes it is also correct so option number says correct both a and r are correct Moving towards our next question number 11. A change in one base of amino acid sequence may produce a change called. Catham is a point mutation. Next question 12. The polymorphic enzyme found in human body may help in it may help in individualization. Option number A is correct. Next 13 number. सीमेंट सैंपल हैविंग नो स्पर्म्स इज कॉल्ड एज ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एस्पर्मिक तो ओलाइगोस्पर्मिक हिस्टोस्पर्मिकमेटोस्पर्मिक क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं ओलाइगोस्पर्मिक इज़ अ मेल फर्टिलिटी इशू कैरेक्टराइज बाय अ लो स्पर्म काउंट नेक्स्ट है हिस्टोस्पर्मिक सो हिस्टोस्पर्मिक जो है वो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है क्योंकि मैंने नेट पे भी बहुत खोजा और बुक में भी बहुत पढ़ा ये हिस्टोस्पर्मिक जो है वो टाइपिंग मिस्टेक होगा यू जी सी नेट के तरफ से सो so, हम डिस्कस करते हैं हिमेटोस्पर्मिक हिमाटोस्पर्मिक इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन इजाक्युलेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एन आर एच कंपेटिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस कैन अकर इफ़ इफ only mother is rh negative fetus is rh positive pregnancy is second or later option number d is correct that is all of the above next question kerosene is a blend of kerosene is blend of paraffin naphthalene aromatics option number d is correct all of the above next petroleum products include lpg and cng aviation spirit kerosene all of the above is correct next which of the following is used to color motor gasoline कौन सा यूज होता है कलर मोटर गैस के लिए ऑप्शन नंबर ए फिनाइल एजो ओ टू सो वॉट इज इराइथ्रोसिन डायल काइलॉमाइनो एंड योसिन वी विल डिस्कस हेयर इराइथ्रोसिन इराथ्रोसिन इज वाइडली यूज एज अ कलरिंग एजेंट फॉर फूड्स बीवरेज फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन एंड कॉस्मेटिक्स एंथ्रोक्विन ऑप्शन नंबर सी एंथ्राक्न ऑन इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ डाइज इन द टेक्सटाइल एंड पर्प इंडस्ट्रीज एंड एज अ बर्ड रिपेलेंट बर्ड रिपेलेंट नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी दैट इज इओसिन वाट इज ईसिन अगर आपने पढ़ा होगा इंक इंक अगर आप पढ़े होंगे ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एक चैप्टर है पार्ट है सिलेबस का इंक तो आपने इोसिन के बारे भी पढ़ा होगा तो ईओसिन क्या होता है ये एक वाटर सोल्यूबल डाई होता है जो कि रेड क्रिस्टलाइन पाउडर का होता है एंड इट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन द टेक्सटाइल डाइंग एंड इंक मैनुफैक्चरिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन इज मेजर्ड इन अगर आप मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट नेक्स्ट Heroin is easily differentiated from its cutting agents by by TLC, thin layer chromatography. Next assertion reason free sulfuric acid is rarely found in a stomach content in acid poisoning case. JB question repeated hai. reason because either it is vomited or out or neutralized by alkalis given as antidotes. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का क्या होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी रिपीटेड है ये किस ईयर पूछा है मुझे याद नहीं है बट मैंने ये भी पढ़ रखा है क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने प्लेट किया हुआ है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन जीरो पॉइंट टू टू ईयर गन पिलेट द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू परफोरेट ह्यूमन स्किन इज जीरो पॉइंट टू टू ईयर गन पिलेट में मिनिमम वेलोसिटी कितना रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो ह्यूमन स्किन के अंदर घुस जाए परफोरेट कर दे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दैट इज 245 फीट पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एसरसन एंड रीजन एसरसन क्या है टेस्ट सेल केस एंड क्वेश्चन सेल केस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग कंपेरिजन माइक्रोस्कोप टू स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द वेपन टेस्ट सेल और क्वेश्चन सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं कंपेरिजन माइक्रोस्कोप से ताकि इस्टेब्लिश कर सके आइडेंटिटी ऑफ द वेपन ठीक है ये सही है ट्वेंटी टू का रीजन बिकॉज राइफलिंग मार्क्स ऑन सेल केस आर आइडेंटिकल कोर्स नो रीजन आपका गलत है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बट आर इज इन करेक्ट ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चनेंट इज डिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट रेदर देन पेनेट्रेटिंग एंड बिकमिंग फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज कि आप किसी पिलर पे एम कर रहे हैं किसी भी फायर आर्म से आप जैसे ही ट्रिगर को पुल किए बुलेट बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो पिलर पे टच होकर किसी अदर ऑब्जेक्ट पे जाके लग गया तो वो ऑब्जेक्ट से पिलर से डिफ्लेक्ट होके जा रहा है अपना पाथ डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसी को हम रिकोश कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर क्या होगा बुलेट स्ट्राइकिंग ऑन स्टोन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टैंडम बुलेट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बुलेट विच इज लॉज इन साइड द बैरल एंड कम्स आउट अलॉन्ग विद अनदर बुलेट फायर फ्रॉम द सेम गन क्या बोरा बुलेट लॉज हो गया बैरल के इनसाइड उसके अंदर ठीक है और नेक्स्ट टाइम जब आप फायर की जाएगा तो सेम बुलेट के साथ वो बाहर निकल जाएगा उसे हम टैंडम बुलेट कहते हैं स्लग जैकेटेड और स्पिटर बुलेट क्या होता है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्लग इज बेसिकली अ सिंगल प्रोजेक्टाइल विच इज़ यूज इन अ स्मूद बोर शॉट गन और अ राइफल शॉट गन बैरल नेक्स्ट जैकेटेड बुलेट जैकेटेड बुलेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके ऊपर कॉपर ब्रास या फिर अलूमीनियम का कवर चढ़ाया हो जो कि बुलेट को हाई मजल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली ये मिलिट्री अम्यूनिशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नेक्स्ट है स्पिटजर बुलेट तो स्पिटजर बुलेट में क्या होता है जो बुलेट का टिप होता है वो बहुत ही पॉइंटेड होता है जो उसे एरोडाइनमिक शेप प्रोवाइड करता है अब एरोडाइनमिक शेप होने के कारण जो बुलेट है वो एयर को चीरते हुए बाहर निकलता है बुलेट है गन फायर आर्म से जिसके कारण जो एयर ड्रैग है वो मिनिमाइज हो जाता है एयर रेजिस्टिविटी सारा कम हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मैच द फॉलोइंग ईडी जी एन एन जी पी टी एन आर डी एक्स ये सब क्या है ई डी जी एन इसका फुल फॉर्म लिस्ट वन में लिस्ट uh, वन में शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट टू में फुल फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं तो आप खुद से भी ये कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जैसे कि ई डी जी एन ई डी जी एन का क्या होगा इथाइलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्राइट नेक्स्ट है एन जी नाइट्रोगसरीन नेक्स्ट है पी ई टी एन टेट्रा नाइनट वन और आर डी एक्स का क्या बच गया साइक्लोट्राइमिथलाइन ट्राइनाइट्रामाइन तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ट्वेंटी सिक्स पिक्रिक एसिड टेस्ट ऑफ़ यूरिन इज परफॉर्म टू डिटेक्ट तो ये ब्लड सॉरी यूरिन में बहुत सारा कंपोजिशन होता है क्या क्या कंपोजिशन होता है बेसिकली यूरिन में नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर होता है यूरिया क्लोराइड पोटेशियम क्रिएटिनिन और बहुत सारा डिजॉल्व आयंस होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है तो इसमें क्या होता है क्रिएटिन क्रिएटिनिन मैंने कहा तो ऑप्शन नंबर बी इसका तो पिक्रिक एसिड जो है जब हम उसे टेस्ट करते हैं यूरिन में तो वो क्रिएटिनिन के साथ क्रिएटिनिन को डिटेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन कोलेस्ट्रॉम इज अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क Produced by the mammary glands of mammals immediately following delivery of the newborn. And colostrum contains antibodies to protect the newborn against disease. So, colostrum is very important for the newborn baby. So, question kya pucha colostrum is a form of, to ye kya option number B is correct milk. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज इन द एनालिसिस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पैरोस गैस क्रोमोटोग्राफी एफ टी आई आर तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एब ये सारे टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड मैच इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एपी डिडाइमिस तो वाट इज एपी डिमिस

It also brings the sperm to maturity since the sperm that emerge from the testes are immature and incapable of fertilization. So during sexual arousal contractions force the sperm into the first difference in the male reproductive system. Take care. Next question number 31 in window glass pane the following components are not commonly present. Option number C and D are correct. Antimony oxide and barium oxide are commonly not present in window glass pane component. Okay, option number A is correct. C and D are correct. Next question number 32. The range of lime is within dash in Portland cement. What is Portland cement? Portland cement is a calcium alumina silicate compound and is manufactured from limestone and clay with minor amount of iron oxide silica sand and alumina which is used to balance the mineral so what is its use basically portland cement is an excellent binding material which is which provide strength to structural elements due to its excellent binding property it is mainly used in the production of कॉन्क्रीट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ बेसिक इन्ग्रीडियंट इन द मोटर स्टूको एंड नॉन स्पेसियली ग्रैक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन डेंसिटी ग्रेडियंट डिटर्मिनेशन मैथड ऑफ सॉइल एग्जामिनेशन द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कॉमनली यूज अगर आप सॉइल का एग्जामिनेशन किए हैं डेंसिटी ग्रेडियंट मैथड से तो आपको ये पता होना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर डी मैक्स मिक्सचर ऑफ ब्रोमोफाम एंड जीन थर्टी थ्री का डी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर मैथ द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू पेंट सैंपल सो लिस्ट वन इज पेंट पिगमेंट एंड लिस्ट टू इज कलर ऑफ पेंट सो पेंट पिगमेंट टाइटेनियम ऑक्साइड और ये सब जो लिस्ट वन में दिया हुआ है उसको आपको कलर उसका क्या हो सकता है वो आपको बताना है तो ए का क्या होगा थ्री दैट इज़ वाइट टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइट बी uh, कोबाल्ट साल्ट इसका क्या होगा ब्लू नेक्स्ट है ग्रेफाइट इसका क्या कलर होता है सबको पता है ब्लैक डी लेड टेटर ऑक्साइड इसका क्या होगा रेड सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ टूल अपलिकेशन कैन प्रोड्यूस द सफिशियंट इन्फ्लुएंस ऑन द नेचर ऑफ स्ट्राइशन मार्क्स प्रोड्यूस बाई स्क्रू ड्राइवर्स एक्सेप्ट

37. सेवन मास डिजास्टर विक्टिम could be achieved अचीव ऑन basis of ऑफ फिंगरप्रिंट फोटोग्राफ एंटीमार्टम डेंटल रिकॉर्ड इन सभी से हम मास डिजास्टर का विक्टिम का identification कर सकते हैं तो ऑल ऑफ the above आंसर होगा डी नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग 38. लिस्ट वन में सोमैटोस्कोपी ये सब जितना भी है इसका डिफिनेशन दिया हुआ है बेसिकली लिस्ट टू में तो आपको बताना है क्या क्या है ए में है सोमैटोस्कोपी तो सोमेटोस्कोपी क्या होता है ऑब्जर्वेशन ऑन लिविंग पर्सन नेक्स्ट ऑस्टियोमेट्री ऑप्शन नंबर थ्री मेजरमेंट ऑफ बोन्स नेक्स्ट है सी क्रेनियोमेट्री फोर होगा इसका मेजरमेंट ऑफ स्कल लास्ट है डी सोमेटोमेट्री so इसका क्या होगा मेजरमेंट ऑन लिविंग पर्सन सो थर्टी एट का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट थर्टी नाइन स्टेचर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी स्टिमेटेड फ्रॉम फुटप्रिंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एज वेल एज शन इक्वेशन सो ऑप्शन नंबर बी वन एंड टू आर करेक्ट नेक्स्ट फोर्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न सो हम बात कर लेते हैं कौन सा पैटर्न पॉपुलेशन में कितना परसेंट कैरी करता है ऑप्शन पहला है आर्च आर्च कितना कैरी करता है फाइव परसेंट टोटल पॉपुलेशन में आर्ज प्रेजेंट होता है वर्ल्ड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट नेक्स्ट लूप लूप इज सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दैट इज लूप लूप कितना परसेंट होता है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन में और एक्सीडेंटल बहुत ही कम होता है नेक्स्ट है फोर्टी वन वेन टू सेट्स ऑफ राइटिंग या फिर सिग्नेचर्स आर एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिंग अपॉन ईच अदर दैट मीन्स अगर दो सेट है राइटिंग या सिग्नेचर का और दोनों सुपर इम्पोज कर रहा है अगर एक के ऊपर हम एक रखें एक रख रहे हैं तो वो दोनों सुपर इम्पोज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है वन ऑफ द सेट्स इज़ रिजल्ट ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी ऑप्शन नंबर सी तो ट्रेस्ड फॉर्जरी में क्या होता है कि जो भी हम फॉर्ज करना है जो भी सिग्नेचर या फिर राइटिंग को हमें फॉर्ज करना है उसे हम ऊपर रखते हैं और उसके नीचे एक ब्लैंक शीट प्लेस कर देते हैं और उसके ऊपर सिग्नेचर के ऊपर हम पेंसिल या पेन से ऊपर बेसिकली ड्रॉ करते हैं जिस तरह से वो फॉर्म है तो उसका एक नेगेटिव इम्प्रेशन नीचे जो पेपर है उस पर पड़ जाता है उसे हम फिर उसके ऊपर हम पेन pen या पेंसिल चला देते हैं तो इसे हम ट्रेज फॉर्जरी कहते हैं तो इसमें क्या होता है जो सिग्नेचर या फिर राइटिंग है वो सुपर इम्पोज करा कर जाता है नेक्स्ट फोर्टी टू मैग्नेटिक पाउडर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स फोर्टी टू नंबर क्या होगा आयरन पार्टिकल्स नेक्स्ट फोर्टी थ्री क्रोमेकोट पेपर मैथड इज़ यूज इन द फॉलोइंग जिसमें यूज होता है डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक्स इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक्स का पहला सीक्वेंस क्या है उससे हम क्रोमोकोट पेपर से पता चल सकता है क्रोमोकोट मेथड पेपर मेथड से हम पता कर सकते हैं फोर्टी फॉर द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज ऑल्सो नॉन एज सबको पता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डरमेटोग्लिफिक्स सो वॉट इज एंथ्रोपोमेट्री डरमेटोलॉजी एंड एरगोनोमिक्स क्या होता है ये सब हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं सो स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोमेट्री के साथ एंथ्रोपोमेट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी Next, dermatology. Dermatology is a branch of medicine that deals with the skin and diseases of the skin. Next, ergonomics. Ergonomics is the science of refining the design of products to optimize them for human use. Next question pe Preliminary observations of the pulling of blood at the lowest part of the body caused by gravity is called option number B.

जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके साथ जब तक वो मैच नहीं हो जाता है अलगर मोटिस के स्टेज में तब तक वो कंसिस्टेंटली चेंज हो जाता है तो ये जो चेंज का रेट है उससे हम टाइम ऑफ डेथ का भी पता कर सकते हैं अलगर मोटिस में ये होता है नेक्स्ट है राइगर मोटिस इसे हम पोस्टमार्टम रेजिडिटी के भी नाम से जानते हैं और ये थर्ड स्टेज होता है डेथ का ये बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल साइन है डेथ का तो इसमें क्या होता है जो लिम्स है वो स्टिफ हो जाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस होने लगता है डेथ के बाद तो जो लिम्स है जितना भी बॉडी का मसल है वो सारा स्टिफ हो जाता है और इसमें क्या होता है ये जैसे ही डेथ होता है ह्यूमन बॉडी का उसके चार घंटे के बाद ये स्टार्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द पुलिंग ऑफ ब्लड एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ़ बॉडी कॉज्ड बाय ग्रेविटी फोर्टी फाइव क्या होगा इसका आंसर लाइवर मोटिस तो ये लीवर मोटिस सॉरी रिगर मोटिस और अलगर मोटिस क्या होता है इसे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे सो so, राइगर मोटिस को हम पोस्टमार्टम रेजिटिटी के भी नाम से जानते हैं ये थर्ड स्टेज होता है डेथ का और ये एक बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल साइन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भैया डेथ हो चुका है तो इसमें क्या होता है जो लेम्स है उसमें जो मसल प्रेजेंट है वो स्टिफ करने लगता है। तो मसल का स्टिफ किस कारण होता है क्योंकि जो मसल है उसमें केमिकल चेंजेस होने लगते हैं उसके कारण जो बॉडी है वो पूरा स्टिफ हो जाता है तो ये जो राइगर मॉटिस है वो डेथ के चार घंटे बाद स्टार्ट हो जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं अलगर मॉटिस अलगर मोटिस जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ डेथ है और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ए, रूम के टेम्परेचर से जब तक मैच नहीं कर जाता है तब तक जो बॉडी का टेम्परेचर है जो कॉप्स का टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है तो अलगर मोटिस में ये होता है नेक्स्ट द कॉज ऑफ डेथ इज इन ड्रॉनिंग आर एक्सेप्ट एक्सेप्ट गैजिंग एक्सफिक्सिया वेंट्रिकुलर फिबलेशन लेंजल ये सब सारे कारण ड्रॉनिंग में डेथ हो सकता है नेक्स्ट फोर्टी सेवन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू तो यहाँ पे मेनिया दिया हुआ है मेनिया का बेसिकली आपको यहाँ पे डिफिनेशन बताना है uh, पहला है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है इररेजिस्ट थ्री इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील आर्टिकल्स ऑफ लिटिल वैल्यू बी है पायरोमेनिया इसमें क्या होता है इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स सी है डिसपोमेनिया इसमें क्या होता है इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स नेक्स्ट है डी म्यूटोलोमीनिया म्यूटोलोमिया ऑप्शन नंबर टू इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू म्यूटिलेट एनिमल्स फोर्टी सेवन का आंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट फोर्टी एट इन सिंपल माइक्रोस्कोप इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज वन सेंटीमीटर दैन मैगनीफिक मैग्नीफिकेशन पावर लाइज एट option number a that is 25 to 26 next 49 has a rule is related to fetus is employed for the determination of determination age of fetus next sexual perversion include following except except rape so what is sadism masochism and fellatio so sadism is the tendency to derive pleasure especially सेक्शुअल ग्रेटिफिकेसन फ्राम इन्फ्लिक्टिंग पेन सफरिंग और ह्यूमलेशन ऑन अदर्स वट इज मैसोचिज्म मैसोचिज्म द टेंडेंसी टू डिराइव सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम वंस ओन पेन और ह्यूमलेशन खुद को दर्द पहुँचा के खुद को चोट पहुँचा के वो सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है मैसोचिज्म में और सैडिज्म में क्या होता है दूसरे को पेन या सफ़र इन्फ्लिक्ट करके उसे सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है लास्ट है फेलिचिज्म, फेलिचिज्म आर कंडीशन इन विच सेक्शुअल एक्साइटमेंट और ऑर्गेज्म इज असोसिएटेड विथ एक्ट्स ऑफ इमेजरी दैट आर कंसिडर्ड अनयूजुअल विद इन कल्चर इसमें क्या होता है इमेजरी मतलब इमेजिन करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो लेते हैं उसे फेलिचिज्म कहते हैं सो so, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं सारा वीडियो का पी डी एफ़ वहाँ शेयर करता हूं और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं नीचे मैं सारा का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा सो तो आप सभी घर पर रहें और सेफ रहें थैंक यू फॉर वाचिंग